Gen V, episode 7 and 8, the season finale. इंदिरा शेट्टी के कहने पर डॉक्टर कार्डोसा ने सूप्स के वायरस को कॉन्टेजियस बना दिया, पर अब शेट्टी मैडम की डिमांड थी कि कार्डोसा इस वायरस को एयरबॉर्न बनाए। फिलहाल ये वायरस बस सूप्स के छूने या कॉन्टैक्ट करने से ट्रांसफर होता था। वुड्स में इन्फेक्टेड सूप्स पर रिसर्च करने इन्होंने एक सेपरेट रूम बनाकर रखा था। शेट्टी की एयरबॉर्न वाली रिक्वेस्ट सुनकर कार्डोसा को अब थोड़ा डाउट आने लग गया कि भला वार्ड सूप्स के वायरस को एयरबॉर्न क्यों बनाएंगे। यानी इसका मतलब शेट्टी अपना अलग ही पर्सनल एजेंडा चला रही थी। पर फिर शेट्टी ने कार्डोसा को धमकी देकर बताया कि अगर उसने इसकी बात नहीं मानी तो वो वार्ड को बता देगी कि वायरस बनाने का आइडिया डॉक्टर कार्डोसा का ही था। सभी केट ने कॉल कर इसे मिलने के लिए बुलवा लिया, बट शेट्टी को फिलहाल किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। जब से केट ने शेट्टी के लिए मेडिसिन लेना बंद किए हैं, इसके पावर्स और भी ज्यादा खुलकर बाहर आ गए। केट अब बैठे बैठे अपने आसपास वालों का दिमाग पढ़ सकती है। तभी इन्होंने देखा कि पॉलिटिशियन विक्टोरिया न्यूमन इनके कैंपस में स्पेशल विजिट देने आने वाली है। मरी और जॉर्डन ने प्लान बनाया कि वो शेट्टी के ऑफिस से कोई सबूत ढूंढकर न्यूमन के हवाले कर देंगे। लकीली जॉर्डन के पास डीन शेट्टी के ऑफिस की एक्स्ट्रा चाबी थी। ऑफिस की तलाशी लेते वक्त इन्हें इस सीक्रेट ड्रॉअर में छुपे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। सीजन 1 वाला वो आइकॉनिक प्लेन क्रैश सीन याद है ना, जहां टेररिस्ट का नाम यूज करने होमलैंडर ने जानबूझकर इस प्लेन को क्रैश होने दिया था। मेव चाहते हुए भी होमलैंडर को नहीं रोक पाई थी। वेल, उसी प्लेन में इंदिरा शेट्टी की फैमिली सवार थी, बट ऑफिशियली न्यूज में क्रैश का जिम्मेदार टेररिस्ट को बताया गया था। मरी और जॉर्डन भी अब तक नहीं जानते कि वो क्रैश होमलैंडर ने करवाया था। सभी डॉक्टर कार्डोसा के आने की आवाज सुनकर मरी और जॉर्डन टेबल के नीचे छुप गए। इन्होंने देखा कि डॉक्टर कार्डोसा किसी सूप किलिंग वायरस के बारे में बड़बड़ाते हुए इंदिरा शेट्टी के ऑफिस में रखी विस्की बॉटल में सुसु कर रहे थे। एमा सैम को अपने रूम में छुपाकर उसके लिए स्नैक्स लेने चली गई। तो दूसरी तरफ शेट्टी एक्सीआई डायरेक्टर ग्रेस मैलरी से मिलने चली गई। और इसी एपिसोड से जेनवी की कहानी पूरी तरह से द बॉयज सीजन 4 के साथ लिंक हो गई। शेट्टी ने मैलरी को सूप किलिंग वायरस के बारे में बताया। ये मैलरी की मदद से उस वायरस को सारी दुनिया में फैलाना चाहती है, बट मैलरी को शेट्टी के इस जेनोसाइड मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। माना कि इसने भी शेट्टी की तरह ही अपनी फैमिली को सूप्स के हाथों खोया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में मौजूद सारे सूप्स को ऐसी बेमौत मौत दे। मैलरी की बातों से डिसअपॉइंट होकर शेट्टी वहां से चली गई। फिर हमें पता चला कि मैलरी सीक्रेटली सारे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके अपने एक और साथी को सुना रही थी। ये अब शेट्टी और गॉडयू कैंपस पर कड़ी नजर रखेंगे। हेमा के मना करने के बावजूद भी सैम स्टूडेंट्स के साथ मजे करने रूम के बाहर चला गया। इधर के मजे पूरे होते ही रूफस सैम को फंसाकर अपने साथ पार्टी करने ले गया, ये बोलकर कि हेमा भी उस पार्टी में आने वाली है। कूलमन के साथ चले हुए एक लाइव इंटरव्यू के दौरान पोलैरिटी को अचानक से सीजर अटैक्स आने लगे। ये देखकर आंद्रे फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। बेहोशी की हालत में पोलैरिटी के मेटल बेंडिंग पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। आंद्रे ने किसी तरह एम्बुलेंस को बचते बचाते हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। वापस आते ही हमारे देखा कि सैम रूम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। रूफस सैम को पार्टी करने के बहाने फंसा कर न्यूमन के डिबेट में लेकर गया था। मरी को भी न्यूमन से प्राइवेटली बात करनी थी। जॉर्डन ने टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर जस्टिन का जबड़ा तोड़कर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया। इसी मौके का फायदा उठाकर मरी डिबेट हॉल में घुस गई। यहाँ पर कुछ प्रो सूप प्रोटेस्टर्स न्यूमन के खिलाफ क्राउड को भड़का रहे थे। रूफस की गैंग भी इसीलिए यहाँ पर आई थी। यहीं पर हमें पता चला कि द बॉयज सीजन 3 में उस बंदे को मारने की वजह से होमलैंडर पर केस चला हुआ है। मामला कंट्रोल से बाहर होता देख न्यूमन की सिक्योरिटी उसे स्टेज के पीछे ले गए, जहां मरी उसका इंतजार कर रही थी। सरप्राइजिंगली विक्टोरिया न्यूमन मरी को अच्छी तरह से जानती थी। सैम इस प्रो सूप प्रोटेस्ट से काफी प्रभावित लग रहा था। उसे भी यहीं रहकर बाकियों के साथ तोड़फोड़ करनी थी, पर तभी एमा और जॉर्डन उसे लेकर वापस रूम में चले गए। घर पहुंचते ही शेट्टी ने देखा कि केट उसका वहां इंतजार कर रही थी। शेट्टी ने केट को बताया कि वो उसे अपने बेटी की तरह प्यार करती है। ये बचे हुए कामों को निपटाकर हमेशा हमेशा के लिए गॉडयू से कहीं दूर चले जाएंगे। केट ने शेट्टी के फीलिंग्स पढ़कर देखा कि वो वाकई में सच बोल रही थी। शेट्टी ने केट से वादा किया कि वो उसे वायरस के इन्फेक्शन से बचा कर रखेगी। न्यूमन मरी से बात करने उसे बैक स्टेज वाले ग्रीन रूम ले गई। इसे मरी की इंपॉर्टेंट बातों से ज्यादा उसके पावर्स में इंटरेस्ट था।
फिर न्यूमन के कहने पर मरी ने उसके ब्लड को स्कैन किया। मरी भी नहीं जानती थी कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। तभी न्यूमन के ब्लड में कंपाउंड वी के ट्रेसेस देखकर मरी हैरान रह गई कि साला सूप वर्सेस ह्यूमंस के पॉलिटिक्स में ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिशियन ही खुद एक सूप है। मरी के सरप्राइजेस तो अब बस शुरू ही हुए थे। न्यूमन ने अपना हाथ काटकर मरी को दिखाया कि उसके पावर्स भी बिल्कुल मरी की तरह ही हैं, और वो भी रेड रिवर ऑर्फनेज में पली बड़ी है। इसका मतलब मरी भी खड़े खड़े लोगों के सर फोड़ सकती है। पिछले एपिसोड में इंदिरा शेट्टी जिस बेनिफैक्टर की बात कर रही थी, जिसके सपोर्ट की वजह से कार्डोसा मरी पर रिसर्च नहीं कर सकता, वो बेनिफैक्टर भी कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया न्यूमन ही थी। मरी ने फौरन न्यूमन को द वुड्स और शेट्टी के सूप किलिंग वायरस के बारे में बताया। न्यूमन ने एकदम ठंडा रिएक्शन देते हुए मरी को समझाया कि वो शेट्टी वाला प्रॉब्लम हैंडल कर लेगी। बट भलाई इसी में है कि मरी ये वुड्स वाला टॉपिक छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। मरी अगर चाहे तो वो द सेवन की फर्स्ट ब्लैक फीमेल मेंबर बन सकती है। तब उसके पास इन प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाने और भी बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अभी अगर मरी ने कुछ गड़बड़ की तो वॉट उसे उठाकर सीधा सूप्स की जेल में फेंक देंगे, और वो कभी अपनी छोटी बहन से नहीं मिल पाएगी। तभी केट ने सबको मैसेज भेजकर अर्जेंटली शेट्टी के घर बुलवा लिया। आंद्रे मैसेज को इग्नोर करके अपने पापा के पास ही बैठा रहा। शेट्टी के घर पहुंचते ही सबने देखा कि केट ने उसे अपने पावर से कंट्रोल करके रखा है। केट के कहने पर शेट्टी ने सबको द वुड्स का असली सच बताया कि गॉड यू कैंपस ओरिजिनली सूप्स पर रिसर्च करने के लिए ही बनाया गया था। ये यूनिवर्सिटी और पढ़ाई तो बस कवर है। होमलैंडर के कराए प्लेन क्रैश में शेट्टी ने अपने हस्बैंड और बेटी को खोया था। उसी का बदला लेने इसने वो वायरस बनाया था। वायरस को फैलाने से पहले शेट्टी केट की मदद से द वुड्स के सारे सब्जेक्ट्स को मारना चाहती थी, बट केट ने पलटी मारकर उसे ही कंट्रोल कर लिया। केट अब शेट्टी को मारना चाहती है, बट मरी और बाकी सबको ये तरीका सही नहीं लगा। सबके मना करने के बावजूद भी केट ने अपने माइंड कंट्रोलिंग पावर से शेट्टी से सुसाइड करवा लिया और मरी को भी इसकी जान बचाने से रोक लिया। ये देखकर सारे हैरान रह गए। सैम अब पूरी तरह से सुपर हीरो सुप्रीमिस्ट बन गया था। उसे केट ने जो किया वो बिल्कुल सही लगा। दूसरी तरफ डॉक्टर कार्डोसा वायरस लेकर विक्टोरिया न्यूमन से मिलने चले गए। वायरस के बदले कार्डोसा को प्रोटेक्शन चाहिए। बट एज एक्सपेक्टेड वायरस के मिलते ही विक्टोरिया न्यूमन ने डॉक्टर कार्डोसा का सर फोड़ दिया। शेट्टी को मारने के बाद केट और सैम बाकी सूप्स को द वुड से आजाद करने चले गए। मरी एम और जॉर्डन समझ गए कि कैंपस के मासूम ह्यूमंस की जान बचाने इन्हें जल्द से जल्द सूप्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उधर आंद्रे को डॉक्टर से बैड न्यूज मिली कि पोलैरिटी की दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जब भी पोलैरिटी अपने पावर्स यूज करता है उसके ब्रेन टिश्यूज और ब्लड वेसल्स में हल्का सा टीयर आता है। हो सकता है कि यह कंडीशन जेनेटिक हो, तो आंद्रे को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर आंद्रे ने डॉक्टर को बताया कि फिलहाल इन्हें उसके पापा पर फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के पास डैमेज को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं। ये लोग बस अब दवाई की मदद से डैमेज को स्लो कर सकते हैं, यानी पोलैरिटी अब कभी अपने पावर्स यूज नहीं कर सकता। होश आते ही पोलैरिटी ने आंद्रे से माफी मांगी कि द वुड्स के बारे में पता होने के बावजूद भी अपने फैमिली को बचाने की खातिर इसने कुछ नहीं किया। फिर पोलैरिटी ने आंद्रे को समझाते हुए कहा कि वादा करो कि वो भी इसी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। पोलैरिटी चाहता है कि आंद्रे अब उसका कॉस्ट्यूम पहनकर वॉट में उसकी जगह ले ले, बिना वॉट के खिलाफ जाए। हॉस्पिटल बेड पर इमोशनल ब्लैकमेल, क्लासिक पैरेंटल टेक्निक। एशली ने गॉडयू कैंपस आकर ट्रस्टीज की इमरजेंसी मीटिंग बिठा दी। इन्हें अब बड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बनाने किसी को फटाफट द सेवन में भर्ती करवाना था। एशली ये देखकर काफी गुस्सा थी कि इंदिरा शेट्टी किसी को बिना बताए मीटिंग से गायब है। केट और सैम द वुड्स के सूप्स को आजाद करके ऊपर कैंपस में ले आए। केट ने वायरस से इन्फेक्टेड सूप सब्जेक्ट की बॉडी दिखाकर सबको भड़काया कि उन्हें अब खुद के लिए लड़ना चाहिए। केट के भड़काऊ भाषण से इंस्पायर होकर द वुड्स के सूप कैंपस में मौजूद सारे ह्यूमंस को मारने लग गए। एक सूप ने सोशल मीडिया मैनेजर जेफ को भी मारने की कोशिश की, बट जेफ ने इस सोनिक डिवाइस की मदद से उस सूप का सर उड़ा दिया। जेफ ने फौरन किसी को कॉन्टैक्ट करके बताया कि द वुड्स के सब्जेक्ट किसी तरह कैद से आजाद हो गए, बट तभी केट ने आकर जेफ को अपने कंट्रोल में ले लिया। ट्रस्टीज की मीटिंग में आंद्रे और इनविजिबल स्टूडेंट मैवरिक के बीच सिलेक्शन को लेकर चर्चा चली थी। यही हमें पता चला
कि मैवरिक ट्रांसलूसेंट का बेटा है। सभी एशली के असिस्टेंट ने उसे कैंपस में चले केओस के बारे में बताया। केट के कंट्रोल में जेफ ने लाइव स्ट्रीम के दौरान इस सोनिक डिवाइस से खुद का ही सर उड़ा दिया। सैम ने ड्रामा क्लास में जाकर डायरेक्टर एडम का गला पकड़ लिया, बट इससे पहले कि वह एडम को मार दे वहां पर एमा आ गई। एमा को लगा कि वह सैम को समझा सकती है, बट सैम अब सुपर हीरो रेस वाले सुप्रीमसी को लेकर अंधा हो गया था। इसने एमा को गुस्से में बताया कि वो कोई रियल हीरो नहीं है। एमा भी सैम को बस अपने खुशी के लिए यूज कर रही थी, ये लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। सैम को अब उसके साथ नहीं रहना। इतना बोलकर सैम वहां से चला गया। सैम की बातों से एमा पूरी तरह से टूट गई थी। तभी इसे पता चला कि इमोशंस भी इसके पावर्स को अफेक्ट करते हैं। एमा रोते रोते छोटी हो गई, यानी छोटा या बड़ा होने अब इसे बस खाने और उल्टी करने की जरूरत नहीं। सैम को लूक के विजन्स आ रहे थे। लूक ने सैम को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सैम को अकेले में बड़बड़ाता देख केट ने उसके फीलिंग्स भुलाने का ऑफर दिया। सैम भी अपने विजन से थक चुका था। फिर इसके कहने पर केट ने सैम के सारे फीलिंग्स और इमोशंस भुला दिए। फर्स्ट टाइम इमोशनलेस होकर सैम को काफी हल्का फील हो रहा था। मरी ने शेट्टी के ऑफिस में जाकर इमरजेंसी लॉकडाउन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सिस्टम के एक्टिवेट होते ही यूनिवर्सिटी और डॉम के दरवाजे बंद हो गए और कैंपस के स्पीकर से वो सूप्स को कंट्रोल करने वाले सोनिक वेव्स निकलने लगे। एशली और बाकी सबको लगा कि अब वो फाइनली बच जाएंगे, पर तभी एक सोनिक बूम पावर्स वाले सूप ने सारे स्पीकर्स उड़ा दिए। ये देखकर एशली ने फौरन होमलैंडर को ढूंढने के ऑर्डर दिए। तब तक वार्ड का भेजा एक हेलीकॉप्टर इन्हें रेस्क्यू कर लेगा। एशली ने कैंपस में खबर फैला दी कि जो भी रैम्पेज फैला रहे सूप्स को मारेगा उसे वार्ड सीधा 107 में भर्ती करवा देंगे। कैंपस में चले केओस के बारे में पता चलते ही आंद्रे भी फौरन वहां चला आया। हेलीकॉप्टर के आते ही केट ने एक सूप को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया, बट आंद्रे ने समय पर आकर अपने पावर से हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग करवा दी। आंद्रे और मरी ने केट को समझाने की बहुत कोशिश की, बट वो अब रुकने को तैयार नहीं थी। केट ने इनविजिबल सूप मैवरिक को कंट्रोल करके मरी के पीछे छोड़ दिया। न्यूमन के सिखाए स्किल्स को याद करके मरी ने मैविक के ब्लड को ट्रैक करते हुए उसे बेहोश कर दिया। केट समझ गई कि आंद्रे अब उस पर भरोसा नहीं करने वाला। फिर सैम और आंद्रे के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। सैम आंद्रे पर भारी पड़ रहा था, बट फिर आंद्रे ने अपने पावर से टेजर खींचकर सैम को शॉक से बेहोश कर दिया। जॉर्डन के कहने पर एशली और बाकी सारे हेलीकॉप्टर में जाकर छुप गए। एक सूप इन्हें मारने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर जा रही थी, बट तभी मरी ने अपने पावर्स की मदद से उसका हार्ट फेल कर दिया। जॉर्डन और मरी को लगा कि ये लोग फाइनली जीत गए, बट तभी केट ने जाकर जॉर्डन का दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश की। इससे पहले कि केट जॉर्डन को टच कर पाए, मरी ने फुल ऑन विक्टोरियन ह्यूमन मोड में जाकर केट का हाथ फोड़ दिया। तभी वहां पर होमलैंडर आ गया। होमलैंडर को कैंपस में लैंड होता देख मरी ने उससे माफी मांगी, बट जैसे ही होमलैंडर को पता चला कि मरी ने अपने ही साथी सूप यानी केट पर हमला किया है, वो काफी गुस्सा था। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेसिस्ट होने के साथ साथ होमलैंडर वाइट सूप्स के लिए सुप्रीमिस्ट भी है। फिर मरी को एक जानवर बुलाकर होमलैंडर ने लेजर ब्लास्ट से उस पर हमला कर दिया। होश आते ही मरी ने देखा कि वो एमा जॉर्डन और आंद्रे किसी हॉस्पिटल रूम में कैद थे। मरी मरी नहीं, क्योंकि होमलैंडर ने शायद उसे बस वार्निंग शॉट दिया था। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि होमलैंडर अपने लेजर आई ब्लास्ट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है। स्टॉर्म फ्रंट के साथ चले वो किंकी बिहेवियर से याद है ना। गोडोल्गन यूनिवर्सिटी में हुए मैसेकर का सारा इल्जाम वॉट ने इन चारों पर डाल दिया। न्यूज पर केट और सैम को हीरोज की तरह दिखाया जा रहा था, द न्यू गार्डियंस ऑफ गडोल्किन, जिन्होंने चार रिबेल सूप्स को हराकर सबकी जान बचा ली। होमलैंडर इस न्यूज को देखकर काफी खुश लग रहा था। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि बिल्ली बुचर टॉर्च लेकर द वुड्स की तलाशी कर रहा था, और यहां होता है एपिसोड 8 खत्म। ओके, तो पहले शुरू करते हैं मरी गैंग से। माना कि ये चारों बिना दरवाजे वाले हॉस्पिटल में कैद थे, देख के लग नहीं रहा कि वार्ड इनके साथ बुरा सलूक करने वाले हैं। एमा मस्त लेट कर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और बाकी सब भी एकदम ठीक ठाक हाल में लग रहे हैं।
वार्ड ने होमलैंडर के प्रेशर में आकर इन्हें क्रिमिनल तो घोषित कर दिया, बट इनकी लग्जरी प्रिजन देख के लग रहा है कि वार्ड ये एशली इन्हें साइड से फुल सपोर्ट करने वाले हैं। होमलैंडर के उस मर्डर केस का फैसला आने तक शायद वार्ड इन्हें यहीं रखेंगे, इनका फ्यूचर तो बाद में डिसाइड होगा। जेन वी ऑलरेडी सीजन 2 के लिए रिन्यू हो गया है, यानी हमारे हीरोज की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। पिछले दो एपिसोड में मैलोरी न्यूमन, होमलैंडर और स्पेशली बिली बुचर का कैमियो इस बात का साफ सबूत है कि जेन वी की स्टोरी लाइन द बॉयज सीजन 4 में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है, खास तौर पर वो सूप किलिंग वायरस जो फिलहाल विक्टोरिया न्यूमन के कब्जे में है। न्यूमन उस वायरस के साथ क्या करने वाली है? मरी के साथ पार्टनरशिप करके बिली बुचर को विक्टोरिया न्यूमन का सामना करने भी कोई मिल जाएगा, और उस वायरस की मदद से बुचर होमलैंडर के साथ साथ दुनिया से सारे सूप्स का सफाया भी कर सकता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रेस मैलोरी की तरह बुचर को जेनोसाइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट सवाल यह है कि क्या वो होमलैंडर और बाकी सूप्स को ठिकाने लगाने अपने बेटे की कुर्बानी भी दे सकता है, क्योंकि रायन के खून में भी तो कंपाउंड वी है, बट रायन की सिचुएशन शायद थोड़ी अलग होगी क्योंकि उसे डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगा। ये सारे सवालों के जवाब जानने हमें द बॉयज के सीजन 4 तक वेट करना पड़ेगा। माना कि जेन वी की स्टोरी लाइन थोड़ी हिट एंड मिस थी, बट फिनाले तक आते आते सब कुछ ठीक हो गया। इस शो को सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिलते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।